जब आपके फेफड़ों में अधिक मात्रा में कफ या बलगम जमा हो जाता है तो मेडिकल शब्दों में इस स्थिति को चेस्ट कंजेशन कहा जाता है। यह स्थिति अक्सर सर्दी, जुकाम या फिर श्वसन तंत्र में संक्रमण आदि जैसी समस्याओं के साथ विकसित होती है और इनमें से कोई भी संक्रमण आपके शरीर पर अधिक मात्रा में कफ बनाने लग जाता है। वैसे तो कफ सामान्य रूप से शरीर में होता ही है, लेकिन जब आपको सर्दी, जुकाम या फ्लू आदि होता है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मात्रा में कफ बनने लग जाता है और इससे आपको खांसी, छाती में कफ जमा होना और दर्द होने लग जाता है। जिन लोग की छाती में कफ जमा हो जाता है उनको आमतौर पर छाती व गले में दर्द होने लगता है और छाती में भारीपन सा महसूस होता है। अगर आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो गई है तो आप कुछ लक्षण दिखाई देंगे या महसूस होंगे, जैसे खांसी के दौरान सीने में दर्द होना, घरघराहट होना, बार बार तेज खांसी उठना, सिर दर्द होना, सांस फूलना, कफ बनना, कम नींद लेने के कारण थकान महसूस होना और खांसी के साथ निकलने वाले बलगम में खून आना। लेकिन ये कुछ गंभीर मामलों में ही होता है। इसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय ले सकते हैं। आज हम उन घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं तो आपको बलगम पतला होने लग जाता है। विशेष रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ पीने चाहिए जो नाक और छाती में जमी बलगम को निकालने में मदद करते हैं। बलगम निकालने के बाद आपको छाती में जमी कफ के लक्षण से आराम मिल जाता है। भाप लेने से भी अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालकर भाप लेने से यह तरीका और अधिक प्रभावी हो जाता है। भाप लेने के दौरान लंबी सांसें लेनी चाहिए जिससे आपको बंद नाक और छाती में जमा कफ से तुरंत राहत मिल जाएगी। नीलगिरी के तेल में दर्द हटाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिनकी मदद से इस समस्या से जल्दी आराम मिल जाता है। रात को सोने या दिन में आराम करने के दौरान अपने सिर के नीचे एक तकिया ज़्यादा लगा लें जिससे सिर को शरीर से ऊंचा उठा रहे हैं। पुदीने का तेल भी प्राकृतिक रूप से छाती में जमा कफ को हटाने में मदद करता है। आप गर्म पानी में कुछ बूंदे पुदीने के तेल की डालकर इसकी भाप ले सकते हैं। छाती में जमा कफ को निकालने के लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है। गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाएं और इसे पी लें। सीने में जमी कफ को हटाने के लिए दिन में कम से कम 2 या 3 कप अदरक की चाय जरूर पिएं। चाय से प्राप्त होने वाली गर्मी श्वसन मार्ग को साफ करके छाती में जमा कफ के लक्षणों को कम कर देती है। छाती की गर्म सिकाई करने के उसके अंदर जमा कफ निकलने आपको मदद मिलेगी और गरारे करने से गले में जमा जो ज़्यादा तरल है वो बाहर निकलने लग जाता है और गले के अंदर जमा कफ ढीला होकर बाहर निकलने लगता है। नमक पानी के गरारे करने से गले में शांति मिलती है और खांसी आदि के कारण होने वाला दर्द भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी सहायता से आप छाती में जमा कफ को बाहर निकाल सकते हैं, खांसी से आराम ले सकते हैं और सांस लेने की दिक्कत को भी दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।